वेलकम टू अवर चैनल कैड कैम सॉल्यूशन मेरिट। और आज हम सर्विसिंग में करेंगे एक्स फॉर्म। तो एक्स फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, स्केचर में जाता हूँ। और यहाँ पे जाके मैं एक सर्किल बना देता हूँ। और सर्किल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में रिवॉल्व कर सको। तो इसे मैंने हटा दिया और इसे फिनिश करते हैं और इसे कर देते हैं हम रिवॉल्व। वेक्टर है मेरा ये, और ये कनेक्टेड कर्व सेलेक्ट हो गया था इसलिए कुछ ऐसा वार्निंग दे रहा है। तो हम इसे कर देते हैं सिंगल कर्व। यहाँ से सिंगल कर्व लीजिएगा और सिर्फ इसको करना है, और सॉलिड में नहीं शीट में चाहिए। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग लगाने वाले हैं सरफेस के अंदर है एक्स फॉर्म। एक्स फॉर्म का पहले भी एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ। और यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट करेंगे, एक स्किप करना है और एक को ऐड करना है। इसमें आप किसी भी टाइप की शेप बना सकते हैं जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं और उस हिसाब से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। और स्केल मैंने ले रखा है 1.5। कुछ इस तरीके से आ गया है, और थोड़ा सा ड्रैग किया। अब क्या किया जाए, अब मूव में जाता हूँ मैं और इन्हें सेलेक्ट करके आप नीचे लेके आ जाइए। कितना वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, याद लग रहा है तो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ड्रैग करिए, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ओके, ये डिज़ाइन के लिए मैंने ऐसा किया है। और जब भी आपको लगे कि हाँ अब हमारा ठीक है, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था, तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ तक मेरा जो है ये काम इसके अंदर सेव हो गया, मैंने इसे बना दिया, यहाँ पे मेरा ये अप्लाई हो गया। फिर से सिलेक्ट करिए, आपको ये पॉइंट्स फिर से मिल जाएंगे। और पॉइंट को आप फिर से अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये सब हमारा जो फर्स्ट वाला इफेक्ट था वो हमें शो नहीं हो रहा, फर्स्ट हो गया हमारा। फिर से एक्स फॉर्म में जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं, और नीचे जाता हूँ मैं और यहाँ से लेते हैं 1, 1, 2 स्किप, 1, 2 स्किप, 2 को स्किप किया, 2 को स्किप किया, को स्किप किया, 2 को स्किप किया, 2 को स्किप किया। ओके, तो ये मैंने ले लिया है। और अब यहाँ से हम लेते हैं स्केल और यहाँ से करिए और स्केल करेंगे 1 बार, को घुमा के दिखाता हूँ मैं। हमारा आ गया है और ये ठीक लगता है, इसे ओके कर दीजिए। यहाँ पे एक और भी है, आप इसे
रोटेट भी कर सकते हैं। तो रोटेट में आपको अभी कुछ ऐसा खास दिखाई देगा नहीं, है ना। और ये रोटेट वाला हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम भी करे जब हम इसको थिकनेस दें। और सिलेक्शन, फिर मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से एक्सफॉर्म लेते हैं और सेलेक्ट करिए और इसको आप टॉप से लीजिएगा और यहाँ से दो को स्किप करके ये तो आपको ना करके देखना पड़ेगा कि कौन से नोड को मूव करने से क्या हो रहा है और किस टाइप की शेप आ रही है। जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे डिफरेंट टाइप की शेप पे, स्फेरिकल पे, सिलेंडिकल पे, प्लानर पे, तब जाके आपको थोड़ा सा इसका आइडिया लगेगा कि कौन सा ऑप्शन लेने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है या किस टाइप की शेप डिफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब करिए और करके रिजल्ट देखिए कैसा आ रहा है। ओके, ये भी एक शेप आ गई है इसके अंदर और सामने से लेते हैं और फिर अगर चाहते हैं हम तो रोटेट में जाएंगे और रोटेट में अब पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कई बार पॉइंट लेना पड़ता है, कई बार हमें पूरी की पूरी लाइन लेनी पड़ती है, तो वो आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और फिर जहाँ पे आपको परफेक्ट लगता है आपकी डिज़ायर शेप आ रही है वहाँ पे आपको रोकना है। ठीक है, तो अभी देखिए कैसा ट्विस्टिंग है। ठीक है, थोड़ा सा याद आ गया है और कोई बात नहीं, ऐसा भी हम रख लेते हैं या अगर आपको ठीक लगे आप अंडू कर सकते हैं। यहाँ पे अंडू पॉसिबल है, मैं रोटेट माना नहीं लेना चाहता हूँ और ओके अप्लाई, शेप मेरी आ गई है। ओके, इसको अभी एक बार ट्राई करते हैं और थिकनेस डालते हैं इसकी सेलेक्ट। नीचे की तरफ ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा है, मे बी वहाँ पे शायद ना बन पा रहा हो। रिवर्स साइड कर देते हैं, अभी यहाँ पे जो है ना इस वाले पोर्शन में ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा है, इस वजह से शायद ये ले नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप स्केच में जाएं और यहाँ पे एक सर्कल और इसको मैं एक्सट्रूड करके कट कर देता हूँ। ये आप ट्रिम कर सकते हैं, वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, अब मेरा इतना सब करने का मकसद क्या था, सिर्फ यही कि मैं पहले एक बार से करके देखना चाहता हूँ कि थिकनेस आ रही है कि नहीं आ रही। थिकनेस आ जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं इसे नीचे से फिल भी कर सकता हूँ, बाद में फिल कर देंगे इसे। ठीक है, तो थिकनेस ये ले पा रहा है। ओके, जूम करते हैं और यहाँ से आप इसे फिल कर दीजिएगा, फिल हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ। और अब इसके ऊपर हम चाहते हैं कि कोई मटेरियल असाइन किया जाए और इसको हम ट्रू शेडिंग में लेके जाते हैं और ट्रू शेडिंग में यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे मटेरियल हैं, कौन सा लेना है। ट्रू शेडिंग इधर से आइएगा, कोई और, ओके। और यहाँ पे हमें काम कर लेते हैं, एज फिलेट में लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ 0.2। ओके, ये कॉर्नर्स जो इसके राउंड हो जाएंगे, शार्प नहीं रहेंगे, और शार्प नहीं रहेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा सा।
ओके सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपकी इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस।